नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ मच न्यू एक्सपोर्टर कैन प्रॉफिट फ्रॉम हिज एक्सपोर्ट बिजनेस। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब कोई नया एक्सपोर्टर है बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो सबसे पहले वो बिजनेस यही सोचता है कि मैं इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कर पाऊंगा। तो कितना प्रॉफिट आपको बिजनेस से होता है, एक्सपोर्ट के बिजनेस से या इम्पोर्ट के बिजनेस में, आज एक्सपोर्ट की बात करूंगा, इंपोर्ट की बात नहीं करूंगा, वो किस किस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है जो आपका प्रॉफिट है, और कितने वॉल्यूम में आपको करना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है, कैसे बायर को कन्वेंस करते हैं, मार्केट प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं, और आपका बिजनेस सेफ है, ईजी है, क्या है, किस टाइप का है। तो ये सब बातें करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है How much profit is going to be earned from the export business is totally depend upon the turnover. यानी जितना आप turnover करेंगे, देखिए क्या है ना, bulk का business है, यानी bulk quantity में इसमें सामान जाता है, container के container जाते हैं। यानी अगर जैसे मैं import export की बात करूँ तो मैं एक company में काम करता था, वो power plant की company थी, यानी वहाँ electricity बनती थी, energy बनती थी। तो वहाँ पर मतलब Australia से, South Africa से coal आता था, America से coal आता, South Africa से और ऑस्ट्रेलिया से मैक्सिमम आता था, इंपोर्टेड कोल हम उसको बोलते हैं, तो पूरा वेजल का वेजल आता था, यानी 1 लाख टन 2 लाख टन, यानी लाख टन, लाख मीट्रिक टन की आप बात करें, इतना वॉल्यूम मैंने सुना, मतलब सुना, सुनने के बाद जब देखा तो मुझे बहुत क्लियर हुआ एकदम से कि 1 लाख टन कितना होता है। आप भी मतलब सुनने में कैसा लग रहा है, प्रैक्टिकली जब आप बड़ा वेजल आप देखेंगे, घर से भी बहुत बड़ा होता है, तो जब आप वो देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो बल्क का वॉल्यूम है, जितना आप रिपीट करेंगे अपने बिजनेस को, आपने एक कंटेनर भेजा, 10 कंटेनर भेजे, फिर वो आपका बिजनेस साइकिल में रिपीट ऑर्डर आपको मिल रहे हैं, राइस आप भेज रहे हैं, कोई कॉमोडिटी आप भेज रहे हैं, या फिर आप कोई छोटा प्रोडक्ट आप काम कर रहे हैं जो कि छोटे वॉल्यूम में जाता है, बाई एयर जाता है, तो उसमें भी रिपीट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको रिपीट ऑर्डर मिल रहा है, कितना आप टर्नओवर कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना आपको प्रॉफिट होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज में होता है, परसेंटेज की अगर हम बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है। देखिए मिनिमम जो यहां पर एक्सपोर्ट में देखा गया है वो 5% से मिनिमम चालू हो जाता है आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस, 5% आपको प्रॉफिट होता है, 5% से लेके 1000% तक भी यहां पर बिजनेस में प्रॉफिट देखा गया। अभी आप पूछेंगे सर 1000% कौन से प्रोडक्ट में होता है, तो वो होता है एंटीक प्रोडक्ट में, इमिटेशन ज्वेलरी प्रोडक्ट में होता है। देखिए ये चॉइसेबल आइटम है, यानी ये चॉइस करने वाले आइटम, अगर आपके बायर को पसंद आ गया तो इनका नॉर्मली स्टैंडर्ड कुछ नहीं है कि ये प्रोडक्ट इतना ही, कोई इस पर MRP नहीं होता है, वो तो बस पसंद आने की बात है। जैसे कई बार आप मार्केट में गए, आपको ये पसंद आ गया, तो वो आप उन्होंने तो अपना मार्केट में रेट लिख के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने रेट को खुद से डिसाइड कर सकते हैं, खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपका एंटीक प्रोडक्ट है, और उसमें आपका अगर USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपकी मोनोपोली है उसमें, तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, और इसमें 1000% का भी प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मली अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें, क्योंकि जो 5% वाला वो मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूं, वो कमोडिटी में होता है, जैसे गेहूं चावल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक कमोडिटी होती है, और ये मतलब बहुत लार्ज वॉल्यूम में जाता है, तो ये जो लार्ज वॉल्यूम में जाता है उसमें टर्नओवर आपका बढ़ जाता है, क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है। यानी अगर महीने में आपने 2 कंटेनर अगर आपने सेल किया, 10 लाख का एक कंटेनर है, उस पर अगर आपको 10% भी प्रॉफिट मार्जिन मिला, तो 2 लाख का 10% मतलब 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख आपका महीने का हो गया, तो 2 लाख रुपए आपने अर्न किए ये एक्सपोर्ट के बिजनेस से, प्लस गवर्नमेंट के उसमें बेनिफिट होते हैं। तो गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो अगर वीडियो आपने मेरा नहीं देखा तो वो मेरे चैनल में जाके आप उसको जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स। तो उसमें आप ये देखिए कि प्रॉफिट मार्जिन आपको ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं डाउन साइड ही बात करूंगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को नहीं बोलूंगा कि आप 1000% ही हर प्रोडक्ट में मिलता है, तो नहीं मिलता है, इवन 20% भी हर प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। अगर कॉमोडिटी की बात करें तो कॉमोडिटी में तो 5% 8% 10% मैक्सिमम हो गया, 10% से बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, जो नॉर्मल रूटीन कॉमोडिटी, जो खाने पीने की चीज जैसे गेहूं चावल इस टाइप की बातें, इस टाइप की जो कॉमोडिटी होगी उसमें 5% से 10% ही मिलता है, लेकिन उसमें यह कि वॉल्यूम है। अभी जैसे एंटीक प्रोडक्ट है, एंटीक प्रोडक्ट वो आपसे कितना ले लेगा, पूरा कंटेनर थोड़ी लेगा, उसको में तो 1 पीस 2 पीस 10 पीस 50 पीस 100 पीस 1000 पीस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं उसको ना उसकी कैपेसिटी होती है, और ना ही फिर उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट भाई 200
दूसरा आइटम मुझे देखना है, वो दिखाइए, ये दिखाइए, वो चॉइसेबल आइटम है। उसमें क्या क्वांटिटी बल्क में नहीं होती है, उसमें आइटम रहता है कि पसंद क्या आपको आ रहा है, क्या आपके बायर को पसंद आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें वॉल्यूम कम होता है लेकिन आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है नो चांस ऑफ लॉस, यानी अगर आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के साथ में काम करते हैं और आपका पेमेंट टर्म अच्छा है, जब पेमेंट टर्म अच्छे से मतलब अगर आपको 100% पेमेंट एडवांस में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें आपको फिर लॉस के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, फिर आपको लॉस उसमें होगा ही नहीं है। और पेमेंट टर्म और इनको टर्म वाला वो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके आप उसको भी देख सकते हैं, जिसको जिसने नहीं देखा उसको जाके आप एक बार तो जरूर देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो मिनिमम आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, एमएससीबी में रजिस्ट्रेशन कराना है, ईपीसी लेना है, तो ये सब कैसे मतलब कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा तो उसको भी आप जाके मेरे चैनल में जरूर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैक्सिमम अगर बताऊं तो 10,00,000 से ज्यादा बहुत इसमें एक्सपोर्ट का बिजनेस में इनिशियली नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, मार्केट में आप ग्रो होंगे तो आपके पास फंड आना चालू हो जाएगा। इनिशियली आपको 50,000 से लेकर 10,00,000 का ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी मिनिमम 50,000 से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी में आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। कमोडिटी आप 50,000 से नहीं चालू कर सकते हैं क्योंकि उसमें बल्क का वॉल्यूम है। 50,000 से आप चालू कर सकते हैं जैसे एंटीक प्रोडक्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, या इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, इस टाइप के छोटे आइटम्स आप जो चॉइसेबल आइटम होते हैं उसमें वॉल्यूम कम होता है और चॉइस के हिसाब से जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू कन्विंस बायर, और इसमें प्रोडक्ट नॉलेज आपकी अच्छी होगी। प्रोडक्ट नॉलेज वाला अगर वो आप वीडियो मेरा आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोडक्ट नॉलेज आपको अच्छा होता है, तो आपका जो बायर है, बायर आपसे कन्विंस होकर आपके साथ में वो बिजनेस करना पसंद करेगा और आपकी आपका डील जो है वो डन होगा। हाउ टू कन्विंस बायर अगर वो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर मेरे चैनल में जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है कि हाउ टू सर्च मार्केट एंड प्रोडक्ट, यानी अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर का भी प्रोडक्ट जो लेगा वो सप्लायर से लेगा यानी मैन्युफैक्चरर से लेगा, तो मैन्युफैक्चरर को कैसे ढूंढें या फिर आपके प्रोडक्ट अपने सप्लायर से कैसे डील करें, हाउ टू डील विद सप्लायर, वो भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बना के डाल रखा है, अगर वो भी आपने नहीं देखा तो जरूर आप उसको देख लीजिए फ्रेंड्स। तो अपने जो सप्लायर है, सप्लायर से आप अच्छे से बात कीजिए और अपने प्राइस को जितना मिनिमम लेके आ सकते हैं उतना मिनिमम आप लेके आइए, और अपने एक्सपोर्ट में अपने जो बायर है, आपका इंपोर्टर आपका बायर है, उससे आप प्राइस नेगोशिएशन अच्छे से कीजिए और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज कीजिए। ये आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखिए आप मेहनत करना पसंद करते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपके लिए जरूर है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में मत आइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आलसी लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एक्सपोर्ट बिजनेस इज सेफ एंड इजी फॉर द पीपल हु डू सिस्टमैटिक बिजनेस, यानी कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं, हमारे भारतीय एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट तो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर उनके पास में गाइडेंस नहीं है, मेंटर नहीं है उनके पास में, उनके पास पैसा भी है, फंड भी है, एनर्जी भी है, पावर भी है, मेहनत भी करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कहीं मिल नहीं रही है, कोई उनका हाथ थामने वाला नहीं है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है, कोई उनको कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं है। तो आप हमारे साथ में जुड़िए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी आपका अगर स्पेशली एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट कीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैं जरूर आपको टाइम दूंगा और अपना आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा। और आप किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर मुझसे कोई इसमें छूट गया कोई टॉपिक तो वो भी आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट आपसे छूट गया, हम उसको भी आगे कंसीडर करेंगे। सो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।